संघर्ष और सफलता। एक दिन रास्ते में गुजरते समय एक महिला की नज़र पिकासो पर पड़ी और संयोग से उस महिला ने उसे पहचान लिया। वह दौड़ी हुई उसके पास आई और बोली, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी पेंटिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या आप मेरे लिए भी एक पेंटिंग बनाएंगे? पिकासो हंसते हुए बोला, मैं यहाँ खाली हाथ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं फिर कभी आपके लिए एक पेंटिंग बना दूंगा। लेकिन उस महिला ने फिर भी जिद पकड़ ली, मुझे अभी एक पेंटिंग बना दीजिए, बाद में पता नहीं मैं आपसे मिल पाऊँ या नहीं। पिकासो ने जेब से एक छोटा सा कागज़ लिया निकाला और अपना पेन से उस पर कुछ बनाने लगा। करीब 10 सेकंड के अंदर पिकासो ने पेंटिंग बना दी और कहा, यह लो $1,000,000 तक जाएगी। पिकासो ने हंसते हुए कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। वह महिला बोली, सर आप मुझे अपने स्टूडेंट बना लीजिए और मुझे भी पेंटिंग बनाना सिखा दीजिए। जैसे आपने 10 सेकंड में $1,000,000 की पेंटिंग बना दी, वैसे ही मैं 10 सेकंड में ना सही 10 मिनट में ही अच्छी पेंटिंग बना सकूं। मुझे ऐसा बना दीजिए, पिकासो ने हंसते हुए कहा, यह पेंटिंग जो मैंने 10 सेकंड में बनाई है, इसे सीखने में मुझे 30 साल का समय लगा है, मैंने अपने जीवन में 30 साल सीखने में दिए हैं, तुम भी दो सीख जाओगी। वह महिला अवाक से निशब्द होकर पिकासो को देखती रह गई। दोस्त, जब हम दूसरों को सफल होता देखते हैं तो हमें यह सब बड़ा आसान लगता है। हम कहते हैं, यार यह इंसान तो बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से सफल हो गया। लेकिन मेरे दोस्त, उस एक सफलता के पीछे कितने वर्षों की मेहनत छिपी है यह कोई नहीं देख पाता। सफलता तो बड़ी आसानी से मिल जाती है, शर्त यह है कि सफलता की तैयारी में अपना जीवन कुर्बान करना होता है। जो खुद को तपाकर संघर्ष कर अनुभव हासिल करता है वह कामयाब हो जाता है, लेकिन दूसरों को लगता है कि वह कितनी आसानी से सफल हो गया। मेरे दोस्त, परीक्षा तो केवल 3 घंटे की ही होती है, लेकिन उन 3 घंटों के लिए पूरे साल तैयारी करनी पड़ती है, तो फिर आप रातों रात सफल होने का सपना कैसे देख सकते हो? सफलता अनुभव और संघर्ष मांगती है, और अगर आप देने को तैयार हो तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। चलता रहा पथ पर चलने में माहिर बन जा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाएगा। तो आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू।